गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जिस टाइम पर वीडियो देख रहे हों। आज का जो ये वीडियो है, आज का ये जो लेक्चर है वो है फिजिक्स 12th क्लास 4th चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न, जिसमें से क्वेश्चन नंबर है 11 और 12, यानी 4.11 एंड 4.12, यानी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों एक साथ बताएंगे। उसकी वजह क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है 11 से रिलेटेड है, यानी 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो 11वें नंबर क्वेश्चन से संबंधित है, इसलिए इनको दोनों को एक साथ समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए उसमें जो फार्मूला यूज किया गया है उस फार्मूला को पहले हम थोड़ा सा समझाएंगे। वैसे उस फार्मूला को जानने, उस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आपको आवेशित कण पर लगने वाले बल, लॉरेंज बल की दिशा की जानकारी होनी चाहिए, जिसको आप डिटेल में आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। वैसे यहाँ पर हम आपको जो जरूरी होगा वो बता देंगे, है ना, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए। तो इसमें आपको लॉरेंज बल की दिशा ज्ञान कर के लिए नियम पता होना चाहिए, उसमें एक ये नियम होता है। हाल फिलहाल तो हम क्वेश्चन तो पहले बताएं, तो जो है फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर जो है वो क्या है, 4 है। क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न, अभ्यास 4.11 एंड 4.12 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, 12th क्लास 4th चैप्टर एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न है ना, 11वां और 12वां। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, क्वेश्चन आप लोग बुक से देखेंगे, वैसे हम क्वेश्चन को सब कुछ समझाए दे रहे हैं। क्वेश्चन में ये कहता है, एक ऐसा चैम्बर है जहां चुंबकीय क्षेत्र है। क्वेश्चन आप बुक से, एटूगेट क्वेश्चन आपको लिखना है तो बुक से, है ना। कहेंगे बुक कौन ढूंढेगा सर, 12th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो है तो उनके पास बुक होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12, क्वेश्चन ये है कि एक चैम्बर है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की का मान कुछ दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करता है। एक ऐसा कोई क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, और चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करता है, और उसका वेग दिया है कितने वेग से प्रवेश करता है। तो बताना ये है कि जब वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग वृत्ताकार होगा, तो उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होगी, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। एक कोई क्षेत्र है, चैम्बर है चुंबकीय क्षेत्र, बी का मान दिया है, कोई इलेक्ट्रॉन इतने वेग से उसमें लंबवत प्रवेश करता है ये दिया है, तो बताना है कि वो मार्ग उसका वृत्ताकार होगा तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये प्रश्न है, ये 11वां नंबर प्रश्न है। 12वें नंबर में क्वेश्चन कह दिया कि जो 11वें नंबर क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, इसीलिए हमने कहा कि 11वां और 12वां एक साथ है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। 11वें क्वेश्चन में दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा तो उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी होगी, और फिर 12वां नंबर क्वेश्चन बोल दिया कि जिस मार्ग में वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसके आवृत्ति कितनी होगी, ठीक है ना। तो 11वां और 12वां एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो ये बता दें, एक लॉरेंज बल होता है। अब लॉरेंज बल होता क्या है उसके डिटेल के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाकर उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है उसको भी अलग से पढ़ना पड़ेगा।
यहाँ हम उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, है ना। फिर भी थोड़ा सा बताए दे रहे हैं कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए सुनना, ये हम दाएं हाथ के यहाँ अंगूठा और अंगुलियों को ऐसे फैलाए हैं कि अंगूठा अंगुलियों पर लंबवत है, देख लो अंगूठा अंगुलियों पर लंबवत है, ठीक है। यदि ये समझ लीजिए कि यदि ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें, कौन अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें और ये जो अंगूठा है वो वेग की दिशा को प्रदर्शित करे, आवेशित कण इलेक्ट्रॉन जो भी हो वेग की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र वो बल की दिशा को बताएगा, ये बल की दिशा को बताएगा, है ना। ये वेग की दिशा बताए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, तो ये किसकी दिशा होती है, बल की दिशा होती है। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। और दूसरा, लॉरेंट्ज़ बल का सूत्र होता है क्यू वी बी साइन थीटा लॉरेंट्ज़ बल का सूत्र होता है। एक अब केंद्र बल होता है या बराबर या उन्हीं स्क्वायर अपान आर, ये है लॉरेंट्ज़ बल और ये है अब केंद्र बल, इनकी जरूरत पड़ेगी। इस अब केंद्र बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने बताया ये आवेशित कण की वेग को बताए और ये चुंबकीय क्षेत्र को बताए, तो ये उस पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया है, इसका मान, और आवेशित कण जो है वो कितने वेग से जाता है वो B का मान दिया है, और इलेक्ट्रॉन यदि कहता है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है आप जानते हैं, 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। और ये भी बताया है कि आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो थीटा का मान 90° होगा, ठीक है ना। तो इसकी जरूरत पड़ेगी और आवृत्ति बराबर होता है 1/2 आवर्त काल, ये भी, ये सब की जरूरत पड़ेगी इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर तो जो हम बताने जा रहे हैं तो उसके लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 की जहाँ बात है वहां ये बताया है, ये है मान लो चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर की तरफ है, लंबवत अंदर की तरफ ये कहलाएगा, ये क्रॉस साइन जो है वो ये बताता है, क्रॉस साइन ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर तरफ है, इसी में सब कुछ समझना है, ये चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर तरफ है, लंबवत अंदर की तरफ ये। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो बी का मान है, बी का मान जो है 6.5 गास दिया है, 6.5×10⁻¹⁴ टेस्ला, ये टेस्ला हो गया। और जिस वेग से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है उसका वेग दिया है 6.8×10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाता, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वृत्ताकार मार्ग होंगे उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन नंबर 11 में आया, बी का मान दिया है, ये चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर तरफ है। अब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ बात को समझना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये उसकी वेग की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान देना ये वेग की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो इधर बल लगेगा, इस साइड में एक बल लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना घूम के वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ आ गया, बल इधर लग रहा था तो घुमा दिया। अब यहाँ पर अब ये
इलेक्ट्रॉन इधर जाए, ये वेग की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये अंगुलियां क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ये वेग की दिशा है, तो इधर बल लगेगा, इस साइड में एक बल लगेगा, इस साइड में बल लगेगा, इस वजह से ये यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। अब बताओ यहाँ पर ये इस प्रकार, अब वेग ये हो गया, ये किसकी दिशा हो गई वेग, और ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ये बल इधर लगेगा, इस साइड में एक बल लगेगा, इस साइड में बल लगेगा, इस वजह से ये घूम के यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आ गया। अब जब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, तो ये देखो ये वेग की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो इधर बल लगेगा, और इधर जब बल लगेगा तो ये घूम के यहाँ आ गया। कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूमने लगा, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूमने लगा वृत्ताकार मार्ग। ये समझना बहुत जरूरी है कैसे हो गया। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन था तो ये वेग था, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो बल ये लगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर न जाकर मुड़ गया। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो वेग की ये दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर तरफ, ये बल की दिशा, तो बल लगे, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आ गया। जब यहाँ आ गया तो ये वेग की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये बल की दिशा, घूम के यहाँ आ गया। अब ये वेग की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, ये बल इस प्रकार एक निश्चित बिंदु की ओर बल लगने लगा, और ये बल अब केंद्र बल हो गया। कौन सा बल हो गया? अब केंद्र बल। और जब अब केंद्र बल लगने लगा तो ये मार्ग कैसा होगा? वृत्ताकार। जब अब केंद्र बल इसमें लगने लगा तो मार्ग कैसा होगा? वृत्ताकार मार्ग में वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और जब अब केंद्र बल, अब केंद्र बल और लॉरेंज बल बराबर होंगे, जो भी केंद्र बल चाहिए इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, वो कहां से प्राप्त होगा? लॉरेंज बल से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपको किसका मान दिया है? V का मान, और किसका मान दिया है? V का मान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1×10^-31 kg दिया है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.6×10^-19 coulomb दिया है, ऋण में होता है, पर परिमाण के हिसाब से ये ठीक। और ये वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक। अब यहाँ पर सीधे यहाँ लिख देते हैं, अभिकेंद्र बल बराबर लॉरेंज बल। इलेक्ट्रॉन को वृत्ति मार्ग में घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉन को वृत्ति मार्ग में घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉन को वृत्ति मार्ग में घूमने के लिए अब केंद्र बल बराबर लॉरेंज बल। अब केंद्र बल क्या होता है? mv²r। लॉरेंज बल qvb sin θ। अब रही बात किसकी? इलेक्ट्रॉन की बात है, तो mv²r=vvp sin 90। यहाँ पर लंबवत प्रवेश करता है, थीटा का मान 90, और इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो साइन 90 का मान, तो mv²r=evvp। ये भी से तो भी का निशान, तो mv/r=ev। ये साइन 90 का मान हो गया है, तो r इक्वल टू क्या होगा? mv/ev, ठीक है। r इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा? mv/ev।
अब यम का मान ये रहा, भी का मान ये रहा, ई का मान ये रहा और बी का मान ये रहा, प्रश्न में दिया है ना, तो ये सब मानों को रख देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं, रख दीजिए इन सभी मानों को, रख दीजिए, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन क्या जोड़ दिया कि जो इलेक्ट्रॉन उस 11वें नंबर क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्वेश्चन 12 ऐसे लिखा है कि क्वेश्चन 11 में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी आवृत्ति कितनी होगी। ठीक है, तो आवृत्ति कैसे लाएंगे, और सब कुछ तो वही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर इसमें 12 में आवृत्ति लाना, 12वें नंबर क्वेश्चन में क्या लाना है, आवृत्ति, आवृत्ति क्या क्या। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं आवर्त काल t बराबर 2πr/T, t बराबर 2π। अब फार्मूला, अब चाहे आप फार्मूला में पहले मान रख देते हो, आर का मान हमने जो लाया था वो क्या था, चाहे यहाँ पर अब आवर्त काल t बराबर 2πr/T भी होता है, तो आवृत्ति, आवृत्ति न्यू बराबर 1/T, आवृत्ति को यह लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं, तो यह बराबर यह भी अपान क्या होगा 2πr। अब यदि आप फार्मूला को आगे बढ़ाना चाहते हो, सुन लीजिए, यदि आप फार्मूला को आगे बढ़ाना चाहते हो तो r का मान रख देते हैं, r का मान इधर क्या आया था, r का मान r इधर अभी आर के लिए फार्मूला जो आया था वो आर बराबर mv/Eb आया था,
जगह पर क्या आया था इसमें, एम वी अपान ईवी, और उस मान को यहाँ रख देंगे तो एफ इक्वल टू वी अपान टू पाई आर का मान एम वी अपान ईवी, ये वी से भी कैंसिल, तो एफ इक्वल टू ई वी अपान टू पाई एम, ये फार्मूला मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से ये जो फार्मूला आया, ये फार्मूला से ये भी पता चल रहा है, सुनना, ये फार्मूला से पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति है वो वेग पर निर्भर नहीं है, इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति है वो वेग पर निर्भर नहीं है, क्योंकि इसमें वेग वाला शब्द है ही नहीं, टर्म है ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये 12वें नंबर क्वेश्चन में पूछा है आवृत्ति ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि आवृत्ति वेग पर निर्भर है कि नहीं है, तो इस फार्मूला से तो आवृत्ति आप ला लेंगे, लेकिन इस फार्मूला से देखा जाए कि आवृत्ति जो है वेग पर निर्भर नहीं है, क्योंकि इसमें वेग वाला टर्म नहीं है, और सम्मानों को रख दीजिए, तो एफ बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ और बी का मान कितना 6.5 × 10⁻¹⁴ और 2 पाई का मान 3.14 एम का मान 9.1 × 10⁻¹⁹ एम बराबर, इसको आप लोग हल करोगे है ना, और जब हल करोगे तो हम इसका आंसर, अब क्या है कि हम कैलकुलेशन यहाँ नहीं करते, हम बताने से पहले उसे कैलकुलेशन किए रहते हैं कि इसका क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते है ना, तो इसका जो कैलकुलेशन आता है 18.2 × 10⁶ और ये है हर्ट्ज। ठीक है, और इतना आएगा, और इसी को चाहो तो लिख सकते हो 18.2 मेगा हर्ट्ज, क्योंकि 10⁶ हर्ट्ज को मेगा हर्ट्ज लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या कहा हमने, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 12वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 11वें नंबर क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है उसकी आवृत्ति कितनी होगी और आवृत्ति वेग पर निर्भर है कि नहीं, ये क्वेश्चन है, तो आपने आवर्तकाल का ये सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटे वेग, समय बराबर दूरी बटे वेग, ये ठीक है, समय यानी आवर्तकाल, दूरी एक चक्कर की दूरी पर ही हो गए, 2πr कहाँ से, दूरी एक चक्कर की दूरी पर ही, अब वेग भी, अब आवृत्ति आवर्तकाल का रूप होता है 1/T कर दिया, टी के जगह ये लिख दिया उल्टा हो गया, और आर का मान ये होता है तो ये लिख दिया, बी से भी कैंसिल हुआ, ये भी ऊपर चले, ये भी अपान 2πm, आवृत्ति जो है वेग पर निर्भर नहीं है, एक आंसर कन्फर्म। अब आवृत्ति का मान होगा कितना, तो यहाँ ई का मान बी का मान पाई का मान एम का मान सब कुछ रख करके हल कर देंगे, हल करेंगे तो इतना आएगा, गुणा भाग हम यहाँ करके नहीं दिखा रहे हैं, और चौथी तीसरी नहीं पढ़ा रहे हैं है ना, अलग से आप कर सकते हो, ठीक, डिवाइड इंटू करेंगे तो इतना आएगा, टाइम बचाने के लिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है इसका, ठीक, ये 10⁶ हर्ट्ज है, इसको चाहे तो मेगा हर्ट्ज में लिख सकते, तो ये रहा क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ये आप लोगों को बता दें 4 चैप्टर में 13 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन लगभग और बचा है इस चैप्टर का, इसके बाद पूरा हो जाएगा, फिर 5 चैप्टर, इसके पहले पूरे चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, पूरी फिजिक्स प्ले लिस्ट में है पढ़ने के लिए, 11th 12th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब कुछ, समझने के लिए क्रम से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फिजिक्स है, कोई फिल्म संगीत गाना गीत का तो है नहीं कि कहीं से भी सुन सकते हो, इसलिए पढ़ने वाले बच्चों को क्रम से ही पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, बिना फार्मूला से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर हम फार्मूला डायरेक्ट लगा दिए, मान लो उस फार्मूला को याद कर लोगे, लेकिन यदि वो फार्मूला आया कहाँ से जानना है, तो उसको डेरिवेशन को भी समझना पड़ेगा। Thank you.